subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. देखो मैं गल इतनी शुरू कर लेना कि तुसी अज परिवार का हिस्सा बन जा रहे हो, पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बन जा रहे हो, तो इहदा मतलब यह है कि तुसी जो भी हुण प्राप्तियां होणगियां सरकार दियां उह च तुसी हिस्सेदार होवोगे। तुसी क्रिकेट के मैच देख लो, चाहे फुटबॉल के देख लो, हॉकी के देख लो, 11 प्लेयर खेडते हैं, 4 प्लेयर बेंच ते होंदे है, टीम 15 की घोषित होंदी है कि वर्ल्ड कप लई 15 दी आ टीम है, तो कई बार 11 ही खेडी जांदे है सारा चैंपियनशिप या सारा टूरनामेंट, 12वां 13वां 14वां सिर्फ पानी लैके ग्राउंड च आउंदा या किसी ने बैट बदलाउणा है या किसी ने ग्लव्स नवे मंगा ले, खेडण दा मौका नहीं मिलदा। पर जो टीम जित जाती है तो गोल्ड मैडल 15 बनते हैं, फिर गोल्ड मैडल 11 नहीं बनते, उदों सारी टीम जी जेतू करा दी जाती है, नाल चार वो भी जेतू करा दिए जाते हैं क्योंकि टीम का हिस्सा ने, चाहे वह पानी ही पिला के जाते हो, चाहे वह थोड़ा बहुत हैल्प करके जाते हो, पता कि गल। इस तरह मूवीज़ के होंगे, सारे मूवी जिहड़ियां जिन्नियां हिट मूवीज़ ने जिहड़े उहदे परदे ते ने उही नहीं कल्ले सी, परदे दे पिछे बहुत सी। सो टीम जिहड़ी है इक बहुत वड्डा काम करदी है। सो तुसी अज टीम दा हिस्सा बणे हो, मैं तुहानूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। और नौकरी वह भी सरकारी, साडे कल्चर च तां इह आउगा बना के रखती, एक आउट ऑफ रीच चीज़ बनाती भी शायद साडे किस्मत च है नहीं, तां चीज़ इह तां सिर्फ सिफारशियां नूं मिलदी है, ये तो सिर्फ जिन्हों को पैसे ने उन्होंने मिलती है, ये तो जिन्होंने सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री जानता है उन्होंने मिलती है, बस इस पहले यही सी ना। असी आके चेंज किया, हुण जे मेरे को किसी की सिफारिश आ जाए मैं वो तो शक कर लग जाना भी इन्हें सिफारिश करने की कोशिश क्यों की है, तो मतलब कोई ना कोई कमी होनी ये तुसी बैठे हो अज। मेरे ख्याल च मैं मेरे को गिनती है ये 131 PSPCL च कलर्क ने, डिपार्टमेंट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टाफ नर्सिस ने 48 और 73 फार्मेसी अफसर ने, 12 स्टाफ नर्सा ने, मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर ने, कलर्क ने, सो आयुर्वेदा के भी 33 ने। तुसी इत्थे बैठे सारे, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके दस दे कि किसी MLA नूं सिफारिश करनी पै गई होवे, जब कोई पैसा एक रुपया भी देना पै गया हो, या साडा नंबर पहला लवा दी, जब साडा मैरिट च ना पवा दी, नहीं लवाना पैना। मैं इन्ना उपर नहीं पुछ सकदा, इवें तां पुछ सकदा क्योंकि मैनूं पता है, हिम्मत भी उही कर सकदा ना सच बोलने की जिहनूं पता है। सो इस करके असी ये फैसला किया होया कि जिहड़ा लोड़वंद है ते जिहड़ा उन्हें डिजर्व करता उस नौकरी मिलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलूगी। मैं दो तीन बार ये गल दस चुके, अच्छ फिर दस दिना, एक बार इदा ही मैं इसे हाथ भवन से कोई 642 अपॉइंटमेंट लैटर से डिपार्टमेंट के किसी के, वह मैं वंडने से, तो समारोह तो 2 दिन पहला जिमें परसों ला लो जी लंघ गई, मैंने मेरे एक MLA का फोन आया, कहते जी 642 बन रहे, मैं हाँ जी, कहते एक जमें अपना मुंडा है, अच्छा जी, मैं क्या वधिया गल है, नहीं नहीं कहते 5 नंबर ते रह गया, मैं क्या अच्छा, फिर कहते 642 जो ना नहीं आया, मैं क्या अच्छा, कहते है जमें अपना, मैं क्या अच्छा फिर हूँ की करिए, फिर कहते भी वो तो फिर है ही जो अपना, फिर मैं क्या अच्छा ठीक है, मैं कदों कहना बगाना है पर करिए की हूँ, कहते जो मर्जी करो जी हूँ अपना है वो, तो किसी होर एक अद्धे कट के 642 पा लो। मैं कह मैं पा लैंना, पर मैं ये दस दो जिन्हें कटा वह की फिर वो नहीं अपना हैगा, माँ ने भी तो दुध जो परसों खंड वाला दही खवा के वह भी भेजूगी ना, जब पुत नौकरी लेके आ भैन की शादी करा या कबील दिल्ली तो चढ़ जूगी। मैं क्या 3.5 करोड़ पंजाब ही अपना है, तुम अपने वाले कह दो अगली बार मेहनत करके 5 नंबर बद लेके अपने आ जाए, कोई प्रॉब्लम। सो इस करके तुसी सारे साढ़े अपने, तुसी बुलाने नहीं है, तो असी वादा किया नौकरियां देवांगे,
वो कहते हैं कि पहला इरादा करो फिर वादा करो। पहला इरादा किया से असी कि नौकरियां देनिया ने, बिजली फ्री करनी है, मोटर बंद करके झोना लगन ला देना, महला क्लीनिक आम आदमी क्लीनिक खोलने ने, उत्थे डॉक्टर रखे दवाइया सारिया फ्री देनिया ने, व्यापार जिहड़ा इत्थों चला गया उन्होंने वापस लेके आना ही आना है, प्राइवेट जॉब भी क्रिएट करनी करनिया ने, सरकारी नौकरियां देनिया ने। यह पहला साडा इरादा किया फिर वादा किया। जो इरादा किया हुआ फिर वादा पूरा करने कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती। सो अज तुसी अलग अलग कुर्सियां ते बैठोगे, तुसी देख लो ना, तुसी तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे की हुण तो डबल डिग्री ला लो, जिहड़े धक्के खाते ने वह भी एक डिग्री हुई है, वह भी डिग्री है। धुप्पां च बहना, धुंदा च बहना, पानी दियां बाछड़ां टैंकियां ते चढ़ना, डांगा खानिया, ये भी डिग्री हो जाती है। फिर घरें किमें जाने कि हालात च घरें कुछ होर इंतजार हो रहा होंदा कि शायद अज जॉब लैटर मिलने, पर घरें पुत जिहड़ा जख्मी जाता उन्होंने जिन्ना मोढ़िया ते पंजाब दी पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने की जिम्मेवारी का भार होना चाहिए सी, उन्होंने मोढ़िया ते सरकारी लाठीचार्ज के जख्म होंगे ने, फिर घरें तो फिर उल्टा माहौल होंदा सी, दिल भी टुटे कई आने पिछे। जे मैं टीचर जिहड़े जिन्हां नूं कहिंदे आ कच्चे जां कोई अडहॉक ते जां सिक्ख्या प्रोवाइडर पर अलग अलग नाँ रखे हुए सी, उन्हां नूं मैं रेगूलर किया 58 साल तक, उन्हां नूं दी नौकरी पक्की की, तनखाह 3-3 गुणा बधाईया, तो मेरे को आके रोण लग गए। रोण किस गल करके लग गए? कहिंदे जी 2003 तो लगे हुए हैं, 20 साल बाद किसी ने पूछा, कोई कहना 2007 तो लगे हुए, 16 साल बाद किसी ने पूछे, मतलब किन्ना पंजाब पिछे रह गया, पूछने वाला है ही नहीं सी कोई। सो इस करके हुण तुहाडा अपना राज है, और नाल ये भी है जिहड़ी अज नौकरी मिलूगी इहनूं आखिरी नौकरी ना समझो, हजे होर बहुत कुछ तुहाडा इंतजार कर रहा, वड्डियां कुर्सियां तुहाडा इंतजार कर रही ने। यदि मैं एग्जाम्पल दे देना, मैंने तुहाडे चों पता लग गया, एक फंक्शन सीगा लाइनमैन सी मेरे ख्याल च सरा साहब टैगोर थिएटर च कीता सी, असिस्टेंट लाइनमैन रखे ते एक SDO भी रखे बिजली बोर्ड च, तां मैं नियुक्ति पत्र दे रहा सीगा, अज भी इस तों बाद आपां नियुक्ति पत्र देने, तां एक मुंडा आके कहिंदा जी ऐसे साल च मेरी तीजी नौकरी है। मैं कहा भी ऐसे साल च तीजी नौकरी किवें हो सकती है, एक साल च तीजी नौकरी मिलती? मैंने अफसर दस्या, कहिंदे हाँ जी पहलां कलर्क भर्ती होया सी, थोड़े तो इन्हें कलर्की का नियुक्ति पत्र लिया, उस तो बाद किताबा पढ़ता रहा, सिलेबस पढ़ता रहा, हैड कलर्क का पेपर देता, उस मैरिट च आ गया, उस तो बाद मैंने कलर्क वाली जॉब छड़ के हैड कलर्क भी थोड़े तो नियुक्ति पत्र ले लिया, फिर पढ़ता क्या अब SDO का मैरिट च आ गया, अब SDO का नियुक्ति पत्र थोड़े तो ले रहा। एक साल च 3 नौकरियां, कितने 7 साल च 1 मौका भी नहीं मिलता सी, कितने 1 साल च 3-3 मौके ने। इस करके मैं थोड़ा कहना इस कुर्सी तुम आखिरी ना समझो, इन्हू तो एक मौका समझो। बहुत सारे कलर्क इदा देने जिन्हें बाद च IAS क्लीयर की है, UPSC क्लीयर की है, PPSC के एग्जाम क्लीयर किए हैं। सो बड़े अफसर बनना, मंजिल बड़िया रखनिया ने। अज तो सिर्फ तुम्हें इन्ना सौखा हो गया, घर दे तो पैसे नहीं मंगने पैणगे हुण, भी आप दी किताबां सिलेबस दी जां कोई ट्यूशन दी कोचिंग दी उत्थों ते कोचिंग वास्ते भी असी फैसला किया पंजाब सरकार ने कि UPSC के कोचिंग IAS IPS के कोचिंग सेंटर जोड़े ने महंगे ने, फीसा महंगी ने, है नहीं आले दुआले होस्टल च रहना पैंदा जां किराए ते PG च रहना पैंदा, तां असीं पंजाब दे विच UPSC के कोचिंग सेंटर खोलांगे 8, और बिल्कुल फ्री एंड फ्री टू ऑल, कोई उहदे च ये नहीं हैगा कोई BPL कार्ड वाला होगा, नीले कार्ड वाला होगा, ना जिहड़ा भी उत्थे जाणा, नाल होस्टल भी बनावांगे, उन्हां बिल्डिंगां च होस्टल बनावांगे, लाइब्रेरी बनावांगे, उत्थे उत्थे पढ़ो, उत्थे ही रहो, और उत्थे कोचिंग लो, अफसर बन के बाहर निकलो, कौन रोकता थोनों, आसमान है थोड़े कोल उड़न नूं, खंभ परमात्मा ने दिते ने, टैलेंट परमात्मा ने दिता है उड़न लई, आसमान हैगा और सरकार तुहानूं आसमान दे रही है। रनवे जिहड़ा हुंदा है वह जहाज़ नूं उड़ाउंदा थोड़ी है, रनवे जहाज़ नूं मौका दिंदा है, अगे तो जहाज़ ते डिपेंड करदा है, वह दिल्लियों उड के 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरता है, जो दिल्ली उड के 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरता है।
पर रनवे तो मौका देना होंगे, रनवे ने तो मौका दिता, असं तो एक मौके ही दे सकते हैं। उड्डना थोड़ा काम है, कि दूर उड्डना, थोड़े इंजन किन्ने किन्ने शक्तिशाली ने। पर हाँ एक गल याद रखियो कि जो उड जाए ना जहाज, तो हाँ रनवे में जरूर याद रखना चाहिए कि थले भी उतरना होंगे है, हाँ थोड़ा जहा धरती पैर जलान थोड़ा जहा जुड़े रहना चाहिए। और जिन्हें भी जहाज क्रैश होंगे ने ना, जो जहाज जोड़े जिंदा जहाज डिग पे उन्हें सब तो पहला खबर ही यह आती होंगी है कि 2:35 से धरती नालों नाता टुट गया सी। फिर जो धरती नालों नाता टुट जाता ना किसी का, तह जाके फिर वो टुकड़े च ही थे आता, फिर एक टुकड़ा इतों से आया, एक उतों से आया। सो इस करके थानू यह भी कहना चाहना, जे नौकरी वाले हो गए अज, ये ना कि हो गए कि शरीकों के घर मूहरे जाके ललकारे मार लग जाओ, निकलो बाहर हो उन्होंने भी नाल लगे चलना, बल्कि उन्होंने दस्यो कि केड़े केड़े तरीके ने, केड़े टेस्ट देने पैंदे ने। देखो एक मुहल्ले चो जां एक पिंड चो कोई मुंडा एक कामयाब हो जाए, 10-15 उसे पिंड चो होर कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक राह खुल जाता है, भाई किवें कीता सी तूं मैनूं दस दे। बिल्कुल इस तरह मुहल्लिया च, जे मुहल्ले च कोई मुंडा जां कुड़ी कामयाब हो जाए तो आले दुआले दे गुआंढी आउण लग जांदे जी, किवें कीता सी भी अपने मुंडे नूं, असीं अपनी कुड़ी नूं इदां दी पढ़ाई करवाउणा चाहुंदे हां। हाँ जे उह मुंडा घरों बहर जाके पढ़न दे बहाने बुरी बुरी संगत का शिकार हो गए तो किसी होर कम्मां च पै जाए, फिर समझ लो कल्ला नहीं, उन्हें 10-15 का होर भी फ्यूचर खराब करता, क्योंकि मापे फिर कहणगे नहीं उन्होंने मुंडा गया सी उत्थे आ देख लगी जंद चढ़ के आया, इस करके मैं सिंधे नूं भेज दे उत्थे। सो ये बहुत डिपेंड करता, तुसीं अपने आप नूं रोल मॉडल समझ लो, चल 15-20 ही समझ लो, रोल मॉडल मनो कि मेरे नाल 15-20 होर ने, जे मैं कुछ गलत करता समझ लो वह गए, फिर जे मैं कुछ चंगा करता वो आ गए फिर। सो इस करके मैं मुख्यमंत्री बन गया, वे मुख्यमंत्री बनने का मतलब थोड़ी को तुसी लै महिला के कोंडे ला के बह जाओ अंदर कि सानू कोई जनता ना मिल ले कि आके, वो तू पहला ने नहीं किया मुख्यमंत्री बन के, बड़े बड़े उन्होंने महल से, बड़े बड़े दरवाजे से, कुंडे भी इन्होंने चौड़े से, कुंडे अंदरों बंद कर ले, कहीं आम जनता नेड़े ना आ जाए, उन्होंने पता ही नहीं लग्या कदों लोगों ने बाहरों कुंडे लाते, कहते तुम बाहर भी ना आ जाओ, फिर वो बैठे ने अंदर ही हूँ तो की कर रहे ने, माफ करना तुम पढ़े लिखे हो, की कर रहे ने वो जोड़ तोड़, मैं उधर भग जा, मेरा ये लैंस हो जाए, मेरा गठ हो। सो इस करके आ जिहड़ा हुण तुहानूं पहला कोर्टां च रुड़ना पिया, किन्ने साल वेस्ट हो गए, उहदी कोई वैल्यू नहीं हैगी, टाइम की कोई वैल्यू नहीं हुंदी, पर असीं सुन तुहाडे वास्ते जोड़ तोड़ करके जो मर्जी करिए असीं तुहाडी कुर्सी सिक्योर करनी चाहुंदे हां, इन्ना ही फर्क है। भगवंत मान आपदे नौजवानां दी, आपदे पंजाब दे जिहड़े मुंडे कुड़ियां दी कुर्सी वास्ते जोड़ तोड़ कर रहे, ते आ जिहड़े दूजे ने उह सिर्फ आपदी कुर्सी लई जोड़ तोड़ कर रहे ने, मैं इन्हां नाल हो जाऊँ तां मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, इहदे नाल जुड़ जाइए तां ऐ बन जाँगे। बाकी पब्लिक है, सियाणी है, सारा कुछ पता उन्हां नूं, उही खंभे ने, बिजली बोर्ड दे बहुत वड्डे अफसर ने, सब तो वड्डे अफसर ने, कई सालां तों ने, उन्हां वेले भी यही सी अफसर, यही सी खंभे भी, यही सी तारां भी, यही सी ट्रांसफार्मर भी, यही सी जैम्पर भी, उही सी फ्यूज भी, उही सी ग्रिड भी, उही सी सुच्चां भी, उही सी मोटरां भी, उही ने, ते हुण किवें चलदियां ने जी 15-15 घंटे 16-16 घंटे। कारण की है? इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति है ही नहीं सी, कुछ ध्यान ही नहीं सी, 8 घंटे बिजली देवांगे, 8 घंटा चो घंटा आ गई 1.5 घंटा बंद, 2 घंटे आ गई घंटा बंद, वो गर्म हो गया जी फलाना ग्रिड, तो असी कड़ा हूँ बर्फ चला के ग्रिड चला रहे हैं, तो हूँ क्यों नहीं गर्म हो ग्रिड? प्लैनिंग बनानी होंगी है। असी पंजाब नूं 4 जून च बंड लिया कि जीरी इन्ने जिले इन्नी तरीक नूं लाउणगे, उन्हां नूं देवांगे बिजली पहला, फिर इन्नियां नूं देवांगे, फिर इन्नियां नूं, उहदे नाल ग्रिडां ते लोड नहीं पैंदा, ते नाले बिजली 12-12, 14-14, 15-15 कई जगह तो वीडियो आई ने कि 24 घंटे हो गए यार जाती नहीं, हूँ तो इस गल ते धरना देना देने बारे सोच रहे हैं कई पिंड के लोग, यार बस करो यार हूँ बिजली साढ़िया बटा टुटी जाए, है ना, उत्तों नहर वाला पानी आ गया, कस्सियां चल पी पुरानी, उही कस्सियां ने, उही सूए ने, उही रजवाए ने, हूँ किवें चल पे जी? उही कोले की खान 2015 तो बंद पई सी झारखंड जी पंजाब की है,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜਤੀ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ 10 ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9,000 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੋੜ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ 1,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਸ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਓ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ 582 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 600 ਕਰਤੇ ਸਮਝੋ ਲਓ ਸੋ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ MBBS ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਕੱਢ ਲਓ 42ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ 34ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 42 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਡਾਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
हैपेटाइटिस सी किन्ना घातक हो रहा है, फलाने एरिए च बहुत ज्यादा है, ये साढ़े को डाटा होगा तो सानू रिसर्च वास्ते बहुत मौका मिलेगा। फिर असं उस एरिए स्पैशलिस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल खोल सकते हैं कि इस एरिए हैपेटाइटिस सी है, मतलब कोई ना कोई पानी की प्रॉब्लम है जा कोई ना कोई होर दिक्कत है, इसका कि आप क्लीयर करें। दैट्स कॉल्ड पॉलिसीज, ये पॉलिसीज ने कलिए दवाइया पैरासीटामोल जा कोई कोई थोनू जुकाम की दवाई देने वास्ते नहीं, वो मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे सी, उहदा मतलब है तुहाडी सेहत का सारा ख्याल, मतलब तुसी जिथे मर्जी हो मोहल्ला क्लीनिक नूं फोन करके पुछ सकते हो, मेरा रिकॉर्ड दस्सो जी, छे महीने मेरा मैं कि गोलियां दित्तियां ने तो मैं हुण कि गोली मैं रिएक्ट करती है, कि गोली का मैं नहीं लैनी जब कि मैं लै सकता, इस तरह का असं बना रहे हैं मैकेनिज़म हैल्थ के। इसे करके तो अगर बारे मुल्क देखने आते दिल्ली कि यार मोहल्ला क्लीनिक दिखा दो सानू कहो जी ने, नहीं तो हर गल वास्ते अपन बड़े अस्पताल जाना पैदा, हर गल वास्ते, क्योंकि जेडे सरकारी अस्पताल ने जिले वाले या तहसील वाले वो तो रैफरिंग सेंटर बन गए, बस उत्थे लै जाओ उन्हें बड़े अस्पताल DMC भेज देना पटियाले भेज। मेरे अपने नाल होया है बचपन च, जो मैं पैदा होया सी तो मेरी जिहड़ी आ चिन्ह है इत्थे जुड़ी हुई सी, एक घंटे बाद अपने आप टुट गई, पर डॉक्टर कहिंदे बहुत छोटा है, चलो दुध पींदा है जो बच्चा तो अंदर की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, देखते हैं बड़ा होकर की है। तो एक रसौली सी छोटी जी, वो मेरी उम्र के नाल नाल वो भी बढ़ती गई इदा, तो साढ़े वाले इलाके च यह है कि पहले तो पिंड वाला डॉक्टर भी पिंड वाले तो बसों बहर हो जाते, वो कहते चीमे ले लो, जो चीमे लै जो कहते सुनाम, फिर सुनाम वाला कहता भी पटियाले, उन्हों साडे पिंडां दी भाषा च कहिंदे ने वी फलानियां दे बुढ़े दा जां फलानियां दे मुंडे दा जां बच्चे दा पटियाले दा परचा कटदा, वह पटियाले दा परचा कट हुंदा तुरदा जांदे हुंदा, क्योंकि पटियाले तो 99.9% मुड़े नहीं, बल्कि अद्धे तो पहुंचे ही नहीं, घराचों नहीं टप्पे, उदू पहले मोड़ लैंदे ने पूर्ण सूत पूरा हो गया वहां मोड़ लो भाई, है ना, क्योंकि खराब ही इन्ना हो जाता उह तां केस हो, ते मैनू वी पटियाले भेजता जी ए रजिंद्रा हॉस्पिटल बना, मैंने अज भी विंडो याद है, मैं हूँ भी देखता हाँ बिल्डिंग सेम है, तो साढ़े घर भी इदा ही भी पटियाले का परचा कटता, जिन्हें भी पटियाले का परचा कट देंगे साढ़े पिंड वाल फिर उन्होंने मंजे चक के पलिया जी बिछा लेंगे, है ना, बुढ़िया आने लग जाने ने चुले का चार्ज संभाल लेंगे ने भी तुम हरपाल को रो लो उधर, है ना, रोटी राटी का फिक्र ना करो अभी अपनी पा लेंगे, फिर वो भी पास दिन गलां भी कर लें कि ना रौन की सारे पिंड के जवाक मगर लाए फिर दस क्योंकि पटियाले तो मुड़िया नहीं ना कोई, तो साढ़े भी यही हो गया सीगा, पर मैं पटियाले तो मुड़िया आया पता नहीं तो हूँ कैप्टन की किस्मत सी या बादल की किस्मत सी मैं मुड़िया आया। सो असी नहीं चाहते कि हर छोटी मोटी बीमारी वास्ते बहुत बड़े बड़े हस्पतालों जाइए, तो उत्थे जाके क्योंकि उत्थे भी जाके डॉक्टर के ना बहुत बर्डन है, PGI के डॉक्टर से बहुत बर्डन है, फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिलती, हूँ भी मैं जाऊँगा मैं होमी बाबा कैंसर सेंटर जोड़ा